अच्छी जगह गो बैक टू यू प्लेन, गो बैक। जब पढ़ाना तब कोई बात नहीं, न वॉशरूम न वॉटर, ओके क्लियर? यस। आई स्कूल इज द प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी। स्कूल वो जगह है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। वेयर वी गो टू स्टडी मीन्स स्टडी मीन्स पढ़ना। वी लर्न टू रीड एंड राइट देयर। हम वहाँ पे पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न टू काउंट एंड डू सम्स। और हम वहाँ पर काउंट करना, गिनती करना और सम्स करना, मतलब सवाल करना सीखते हैं, सवाल को सॉल्व करना, है ना? लेट्स नो मोर अबाउट दिस स्कूल। चलो स्कूल के बारे में कुछ और जानते हैं। स्कूल के बारे में और कुछ भी जानते हैं। स्कूल है द ह्यूज बिल्डिंग, इट हैज क्लासरूम। स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है। सिट डाउन। स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग, पीठ खोलो, बस पीठ बुक खोलो, बच्चे को बच्चे बुक। स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और होती है, इट हैज क्लासरूम, और इसमें क्लासरूम्स होते हैं। हमारी स्कूल की बिल्डिंग आगे बड़ी है ना, है ना? आगे वाली बिल्डिंग है, फिर ये सेकंड बिल्डिंग है, है ना? कितना बड़ा कैंपस है ना हमारा। और इसमें यू प्लीज कीप योर माउथ शट। ओपन पेज नंबर 32 एंड पे अटेंशन। दिस इज नॉट 32, दिस इज 36। और कोई अब बोलेगा नहीं, ओके? क्लासरूम आर बिग एंड एयर। क्लासरूम बड़े हैं और हवादार है। स्कूल जहाँ खिड़कियां है, मतलब जहाँ से हवा आती है, ठीक है? क्लासरूम, द स्कूल हैज एन ऑफिस वेयर क्लर्क्स सिट एंड वर्क देयर। आगे स्कूल में ऑफिस है ना, जहाँ पे क्लर्क बैठते हैं, है ना? बड़े सर लोग बैठते हैं ना, और बड़े सर बैठते हैं। ये सर का ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस। देयर इज अ फील्ड ऑफ स्टाफ टू द स्कूल। स्कूल बिल्डिंग में उधर बड़ा सा स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम मतलब जैसे हम टीचर्स वहाँ पे बैठते हैं और अपना वर्क करते हैं, ठीक है? इट हैज अ लार्ज सेंट्रल टेबल एंड बेंचेस। इसमें बीच में एक बहुत बड़ी सी टेबल और उसके चारों तरफ चेयर लगी हुई है। हाँ, टीचर्स सिट हियर इन देयर स्टैंडर्ड एंड सर वन मिनट सर क्या टीचर्स सिट हियर इन देयर स्टैंडर्ड एंड रीड बुक्स। टीचर वहां पर एक खाली समय में बैठती है और किताबें पढ़ती है स्टाफ रूम में, ठीक है? टीचर्स को बैठने के लिए कौन सा रूम बनता है? स्टाफ रूम। कौन सा रूम बनता है? स्टाफ रूम। वेरी गुड। देयर इज अ प्रिंसिपल रूम। दिस रूम इज अ बिग एंड एयर कंडीशन। हमारे जो सर का ऑफिस है उसमें देखो एसी लगी है ना, और वो बहुत बड़ा ऑफिस है ना, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल का रूम, ठीक है? वो प्रिंसिपल रूम है, ठीक है? प्रिंसिपल सर का रूम है। द स्कूल हैज अ लाइब्रेरी, देयर आर सो मेनी एजुकेशनल बुक्स इन द लाइब्रेरी। और स्कूल में एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। लाइब्रेरी उसको उस रूम को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखते हैं, ठीक है? वी ऑल गो देयर एंड रीड दीज बुक्स। हम सब वहाँ पे जाते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। द स्कूल हैज अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले गेम्स। द स्कूल हैज, स्कूल का बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। अभी ये हमारा बड़ा होता है और आगे तक तो हम बच्चे यहाँ पे खेलेंगे ना सर। वी नॉट ओनली स्टडी इन अवर स्कूल बट ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स। हम सिर्फ स्कूल में पढ़ते नहीं है, बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं। गुड मैनर्स लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। गुड मैनर्स जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना। कोई टीचर बड़े आते हैं, आंटी आती है, अंकल आते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग आंटी मैम, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल बोलते हैं ना, तो इसका इसको क्या बोलते हैं? गुड मैनर्स। यस बट
सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है? वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर स्कूल, हमें अपने स्कूल पे गर्व होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, ये हमारा स्कूल है। वी शुड नॉट हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल, हमें वो जो स्कूल में देखो जैसे ही पोस्टर लगाए ना, अब ये हार्म कर रहे हैं स्कूल, देख रहे हैं आप ऋषभ, अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। गुड मैनर्स क्या है कि बैड मैनर्स? बैड मैनर्स। व्हाई आर टचिंग? वी शुड नॉट हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल एंड वर्क टू अचीव अवर एम एंड मिशन इन लाइफ, हमें अपने स्कूल में काम अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने एम को और अपने लाइफ के मिशन को, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है। हाँ, एक चीज बताऊँ, जर्नी